अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है। आज हम बनाएंगे चाइनी पुलाव वेजिटेबल, और वेजिटेबल पुलाव बनाएंगे इस तरह का कि देसी तरीके का, देसी ढाबे वाला। हम सारा कुछ देखते हैं। ये हमने गाजरे नहीं है, ये शिमला मिर्च है, ये गोभी है, और ये मटर है, और एक प्याज मैंने इसमें रखा है हल्का सा फ्राई होने के लिए। अब हम सारी चीज़ें इसमें डालते हैं, साथ साथ सब्ज़ियाँ इनको भी फ्राई करेंगे। कि बहुत ज़्यादा नहीं हमने फ्राई करनी, कि रंग बिरंगे कर देनी नहीं है, बस इनका ना हल्का सा अपना वो रहे रंग, थोड़ी मतलब थोड़ी सी इनकी ना आकड़ जो चूड़ू वाली होती है वो टूट जाए, चूड़े समझते हैं जो समझते उसे समझ आ गई अम्मा की। ये मटर भी डाल दिए हम, सारी सब्ज़ियाँ डाल दी हैं, अभी इन्हें हम इकट्ठा फ्राई करेंगे। वो एक एक सब्ज़ी फ्राई करो वो मम्मी डैडी कुकिंग नहीं आती, मुझे सिंपल सी आती है कुकिंग। इस हिसाब से हम बनाएंगे, टाइम को भी बचाएंगे और साथ साथ हम मज़ा भी करेंगे जी। मुझे वो जो वो भी बनाती हूँ मैं कभी कभी, मम्मी डैडी भी कुकिंग करती हूँ कभी कभी, लेकिन देसी ज़्यादा करती हूँ। तो अब हम इसको भी फ्राई करेंगे, हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हमने गुच्चो मुच्चो कर देना नहीं है कि भई ऐसे हो जाए बस, वो नहीं। लेकिन हम ना तकरीबन दो एक मिनट ऐसे हल्का फुल्का सा इधर से उधर उधर से उधर ही करेंगे, साथ ही हम इसको फ्राई करके फिर अगली चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो टाइम नोट कर लेते हैं अभी जितना टाइम करते हैं, तो जितनी सब्ज़ियाँ हों आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ज़रा यही पसंद की जाती हैं कि इतनी सी, तो वो फिर मैं इसलिए थोड़ी सी ये तीन चार ही सब्ज़ियाँ की हैं। तो अब आपको आगे दिखाते हैं। अच्छा, ये तकरीबन दो एक मिनट हो गए हैं मुझे इसे ना फ्राई करते हुए। अब देखें ना, थोड़ी सी इनकी आकड़ टूट गई है ना, थोड़ी नरम हो गई है ऐसे। तो वो फिर इसमें हम डालेंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, हसबी जायका। तो दूसरी हम थोड़ी सी इसमें काली मिर्चें डालेंगे, क्योंकि इसमें अगर हम डालेंगे ना बिरयानी मसाला या कुछ तो फिर वो काम गड़बड़ हो जाएगा, रंग आ जाएगा। अब इनमें हमने डाल दिए ये, बस ये दो मसाले डालें और मैंने कुछ भी नहीं डाला, ये दो मसाले डालें। टमाटर मैंने नहीं डाला, क्योंकि जब हम टमाटर डालेंगे ना तो वो बीच में मिक्स हो जाएगा, गल जाएगा। सिर्फ एक प्याज डाला था हल्का सा, उसमें ऑयल में डाल के साथ ही सब्ज़ियाँ डाल दी थी। अब देखें ये हो गया, अब इसमें हम डालेंगे पानी, जितने हमारे चावल हैं उतना पानी डालेंगे, हम चार गिलास पानी डालेंगे। आप अपने चावलों के हिसाब से डालें, लेकिन हमारा इधर का यही हिसाब है कि जितने चावल हैं उतना पानी डाल दें। तो ये हो गया इस तरह, इसमें आप चावल डाल दूँगी। जब प्रोग्राम के बगैर हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं फिर ऐसा ही होता है काम। ऐसे ही मैं बना रही थी, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल, जो हम बॉयल करके चावल डालते हैं ना उसमें ना ऐसे फीके फीके से चावल रह जाते हैं, वो मज़ा नहीं आता चावलों वाला, वो जो टेस्ट आता है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा इस तरह भी बनाती हूँ। वो कभी कभी वो भी बनाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पसंद, ना ही मेरी फैमिली को वो ज़्यादा पसंद है, कि उसमें ना थोड़ा सा वो उबले हुए चावल जैसे होते हैं इस तरह हो जाता है कि फीका फीका सा टेस्ट। अब ये मतलब उसी तरह ही चावलों की तरह ही बनते हैं, लेकिन थोड़ा आयल भी होता है और टेस्ट भी हो जाता है इसमें। अब इन्हें हम थोड़ी देर अभी पकाएंगे, जब पानी खुशक होता है फिर आगे भी। जी देखें, अभी मैंने इनमें थोड़ा सा नमक डाला है, और क्योंकि नमक मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला है। अब मैं जब दम पे लगाऊंगी ना थोड़ा ज़ीरा और डाल दूँगी। अब सारी चीज़ें ये हो गई हैं मिक्स, तो हम इसको लगाएंगे दम पे। बिल्कुल सादा तरीका, देसी तरीका,
अपने आप को आसानी में रखें, जितनी अच्छी कुकिंग होती है, इजी होती है, उतनी करें करके रखें। ये थोड़ा सा मैंने ज़ीरा और डाल दिया, तो वैसे भी जितनी अपनी कीमत आप बंदा बढ़ाए तो बढ़ जाती है, कम करे तो कम हो जाती है, इसलिए जान है तो जान है। ये देखें कलर कितना प्यारा कलर आया। अब मैंने उधर तवा रखा हुआ है दम वाला, उस पे इसे रखूँगी, दम पे लगाती हूँ, फिर आपको जब दम खोलेंगे फिर हम दिखाएंगे आपको। आप चूल्हा गया बंद, तो ये हो गई जी तैयार, दम वाले चावल हो जाएंगे। ये दम पे रख दिए तकरीबन 10 मिनट के, वो हमारे पास बड़ा खुला टाइम है, अभी खाने वाले नहीं आए, तो 10-15 मिनट हम हल्के चूल्हे पे, देखिए हल्का सा किया है, हल्का ही है, फूल हल्का है, तो इस पे 10 मिनट पड़ा रहेगा, उसके बाद खोलेंगे, फिर दिखाएंगे, फिर खाएंगे, फिर मौजे करेंगे, फिर जे भी खा लेगा। तो चाहिए होती बिरयानी, ये तो खाता है गोश्त वाले चावल, चलो कोई बात नहीं, मेरा बच्चा आज सब्जी वाले खा लेंगे। ये देखें जी, ये दम हमने लिया है खोल, अब हम इसको निकालेंगे, प्लेट बहुत भारी है, अंदर से ही डालते हैं क्योंकि बहुत वजनी है, प्लेट उठाने नहीं आगे। अब ये आप देखें और फिर आप ट्राई करें और फिर हमें भी बताएं कि कैसी आपको लगी और कितनी आसान और इजी रेसिपी है और स्वाद का स्वाद, इसलिए जो है ना, क्योंकि कुकिंग को जितना इजी और आसान बनाया जाए उतना अच्छा है। मैंने ज़रा दम लेट खोला है क्योंकि बच्चे अभी आए नहीं थे, तो फिर मैंने सोचा था कि चलो जैसे ही आते हैं फिर मैं खोलूँगी, वो तो गए थे। मैं सोच रही थी किसी दिन अब मैं सैलड की भी डालूँगी वीडियो, एक दो सैलड की बड़ी मेरे पास बहुत ज़्यादा वीडियो है हर तरह का, तो ये आप लोग ट्राई करें, बताएं कमेंट्स में, लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, और जो है ना अपनी दुआओं में याद रखना, अल्लाह पाक आप पे अपना साया रखे। अब मैं जब कहती हूँ ना अल्लाह पाक आप पे साया रखे, फिर मैं खुद ही मुस्कराती हूँ, अल्लाह पाक आप पे रहमतों का, करम का, फजल का साया रखे। गलत हो गया कि सही हो गया, तो इसके साथ वैसे दाल भी है और भी चीज़ें हैं, लेकिन आपके सामने ये की हैं, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताना, कमेंट्स में लिखें, बताएं आपको कैसा लगा। खुदा हाफिज़।